जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन नागरिकों को जागरूक कर रहा है, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि हम लोगों के द्वारा स्कूल व कॉलेज के बच्चों से बात करके शपथ ले रहे हैं कि वह अपने गार्जियन को 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए भेजेंगे और इसके साथ ही गांव में जहां पर वोटिंग का प्रतिशत कम रहा है ऐसे 450 बूथों को चिन्हित किया गया है। ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसमें वोटिंग मशीन BLO लेखपाल जा करके लोगों से मतदान के लिए शपथ ले रहे हैं। उन्होंने कहा समूह की महिलाएं घर घर जा करके मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। इसके अलावा निगरानी समिति भी कोविड टीकाकरण वोट डालने के लिए जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा इस बार जिला प्रशासन द्वारा 70% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा अंतर्गत हम लोग सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे द्वारा जो अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई गई है जो अभी लगातार चल रही है, इसमें स्कूल के बच्चों को कॉलेज के बच्चों को हम लोग सीधा संवाद करके उनसे कमिटमेंट ले रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करके उनसे शपथ लें और उस दिन वोट डलवाएं 3 मार्च को। और गांव में जहां जहां पोलिंग परसेंटेज पिछली बार 50% से कम रहा है ऐसे 450 बूथ छांटे गए हैं और वहां पे हमारी एक वैन गई हुई है, 9 विधानसभाओं में 9 वैनें गई हैं जिसमें वोटिंग मशीन साथ में BLO सचिव और लेखपाल जाके लोगों को जागरूक और उनसे वोट डालने के लिए शपथ ले रहे हैं। समूह की महिलाओं को डोर टू डोर जाके मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत मोटिवेट कर रही हैं कि आप 3 मार्च को वोट जरूर डालिए। निगरानी समितियां हर गांव में हैं जो कोविड के लिए बनाई गई थी, वो वैक्सीनेशन के लिए भी काम कर रही हैं, उसके साथ साथ वोट डालने की जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम कर रही हैं। कितना इस बार जो लक्ष्य रखा गया है कि हमने पिछली बार 56 था तो 70 का लक्ष्य रखा है और वैसे हम कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके।